असलम जी वेलकम बैक टू माय चैनल होपफुली सब ठीक ठाक होंगे छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और बहुत सी मसले मसाइल हमें होना शुरू हो जाते हैं अगर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं आज बहुत ही अच्छी मैं आपको टिप बताऊँगी चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा आजकल जैसा कि खट्टी चटनी जो कि आम खट्टे की जो है चटनी बनाना मैंने भी सिखाई हुई है और आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और वैसे भी बहुत से लोग बनाते हैं जाहिर है गर्मी है और अगर ये इन चटनीों का ये फायदा हो जाता है एक तो हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है खाना हजम सही तरह से हो जाता है अगर भूख ना लग रही हो तो फिर भी ये सही है. होता भाई ये है कि अगर हम ना इस तरह से खट्टी चटनी बना के रखते हैं ना तो दो से तीन दिन चार दिन पाँच दिन सही रहती है उसके बाद समाइम होता है कुछ लोग कहते हैं ख़राब हो जाती है तो अगर आप लोग ज़्यादा देर के लिए फ्रीज करना चाहें इसको यानी कि सेव करना चाहिए नीचे फ्रिज में ही रखना चाहें तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है थोड़ा सा एक चम्मच आपने कुकिंग ऑयल लेना है उसमें आपने इस चटनी को ना थोड़ा सा पकाना है बिल्कुल थोड़ा सा पाँच सात मिनट पकाएंगे इसका पानी भी थोड़ा सा जो ड्राई हो जाएगा और टेस्ट कोई चेंज नहीं होगा टेस्ट वही रहेगा तो आप एक महीने तक जो है फ्रिज में रखकर अपनी चटनी यूज़ कर सकते हैं सेकंड ये है कि गर्मी और गर्मियों में ये बहुत प्रॉब्लम होता है समटाइम होता है कि अंडे जो हैं हमें पता नहीं चलता जब हम मसा वगैरह डाल लेते हैं जब तवे पर या पैन में फ्राई करने लगते हैं तो हमें स्मेल आना शुरू हो जाती है पता चलता है अंडा ख़राब है हमारा मसाला भी वेस्ट हुआ हमारा टाइम भी ज़ाया हुआ तो आपने सबसे पहले क्या करना है जब भी इट्ठे या जितने भी आपके घर में आते हैं तो आपने इस तरह से पानी में आपने उनको डिप करना है अगर पानी में नीचे ये सतह बैठ जाते हैं तो अंडे इट्स मीन बिल्कुल ठीक हैं परफेक्ट है अगर ऊपर तैरना शुरू हो जाए तो अंडे खराब हैं सही नहीं है तो इससे बेहतर है कि आप आते ही एक तो चेक भी कर सकते हैं अपना टाइम भी बचा सकते हैं वापस भी कर सकते हैं उसके अलावा यह है कि आपको पता चल सकता है कि ये अंडे सही हैं या खराब है तो बजाय इसके के बाद में बच्चों को सम टाइम लंच में बनाने के लिए जल्दी जल्दी से हम लोग करना शुरू कर देते हैं अपने कामों में मसरूफ हो जाता है जिसकी वजह से हमारा टाइम भी वेस्ट हमारी चीजें भी वेस्ट और क्या फायदा तो इस तरह से आप ये ट्रिक को यूज कर सकते हैं अब गर्मियाँ तो ये है कि हमें जिस तरह के पसीना बहुत ज़्यादा आता है उसके अलावा ये है कि जो लोग अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं और उसके अलावा अपने इंटरनली सिस्टम को जो इनर सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं डिटोक्स वाटर आपके लिए जो कि बहुत ही बेस्ट होता है और जो अपनी जो अपनी जो, अपनी जो है ना जिसम को कम करना पड़ते हैं चाहते हैं यानी कि डाइट प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतर आपने क्या करना है एक बोटल ले लें उसमें आपने थोड़ी सी अदरक इसमें ऐड करनी है एक छोटी इलायची एड कर लें कोई भी फ्रूट आपके सीजनल फ्रूट जो आपके गर्मी में पड़ा थोड़ा सा वो कट करके डालें खीरा एक अदर जाएगा इसमें पुदीना थोड़ा सा जाएगा इसमें चार से पाँच पत्तियाँ तो आप एक लीम इसमें जाएगा पूरा लीम कट करें और इसके अंदर डालें और आपने सारा दिन जो है ना इसी पानी को आपने रिफिल करते रहना अगर खत्म होने पर आए तो इसको ही यूज़ करें अगले दिन जो है नेक्स्ट डे आपने फ्रेश बनाना है ये नहीं कि दूसरे दिन भी ये यूज़ करना है ये एक दिन के लिए आपके लिए काफ़ी होगा फ्रिज में रखने जब भी आपने पीना है इसको पीने टेबल पे रखने इट्स अप टू यू वो आपकी अपनी मर्जी है और ये आपको बहुत ही आपके लिए बेहतर हो स्किन भी अच्छी होगी आप भी फ्रेश रहेंगे और डिटॉक्स वाटर जो है जिस तरह से हमारा पसीना जो है निकल के तो हमें पानी में कमी हो जाती है तो ये भी बहुत बेस्ट होता है आपके बॉडी के लिहाज से तो ये जो है ना ज़रूर आप लोग यूज़ करें डाइट जो लोग करते हैं इस, इसको यूज़ करते हैं ना तो यकीन करें पेट भी भरा हुआ होता है हमें भूख भी कम लगती है जिसकी वजह से ना ये भी एक बेस्ट पॉइंट है और हमारे लिए फायदा होता है तो इसको जरूर बना के रखें ट्राई कीजिए अगर ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं आजकल देखा करें फ्रिज को खोल के जैसा कि गर्मियाँ मौसम जो है ना हमारे टमाटर इस तरह के अगर आते तो अच्छे हैं लेकिन ये चार पांच दिन के बाद खराब होना सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है अजीब सी स्मेल भी आती है वेस्ट भी होती है आपको पता सब्जियाँ फ्रूट जो भी है एक तो इतने पैसे लगते हैं और जब कठी चीज़ें आ जाती हैं ना हमसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो आपने क्या करना है अगर तीन चार टमाटर जो बाहर रख लें फ्रिज के अंदर रख लें बाकी जो है वो आ, हमेशा फ्रीजर में रखा करें ताकि जब भी आपने खाना बनाया ना फ्रीजर में से निकालें और दो मिनट उसको पानी में रखें और उतनी देर मसाला वगैरह की बुनाई कर लें और उसके बाद टमाटर जब भी आप काटेंगे तो वो फ्रेश ही लगेगा सॉफ्ट हो जाए कोई टेंशन नहीं और वैसे भी इनका जो छिलका है ना वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए वो भी इजीली रिमूव हो जाता है तो इन, इन चीज़ों को भी आप लोग ना ख्याल रखा करें नेक्स्ट टिप की आ तरफ आते हैं दूध जैसा कि अगर हमने फर्श करें के कहीं जाना है और आजकल गर्मियों में दूध बॉइल करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है सर्दियों में जो है ना विंटर के मौसम में तो दूध को फटाफट से ठंडा हो जाता है आपने क्या करना है कि दूध गर्म किया है अगर फ़र्श करें आपको जल्दी है और आप सोच रहे हैं कि गर्म गर्म तो हम फ्रिज में नहीं रख सकते ना तो इसको हमेशा ठंडा करके रखना चाहिए तो आपने क्या करना है सबसे पहले दूध को बॉइल कर लिया है आपके पास थोड़ा टाइम है आपने खुले बर्तन में इस तरह से पानी वगैरह ऐड कर लेना है उसके अंदर आपने दूध रखे जो घंटे में ठंडा होना था वो आधे घंटे में हो जाएगा यानी कि आपका टाइम जो है वो भी सेफ हो जाएगा और आपको फ़ायदा भी होगा और आप अपना जल्दी से उतनी देर रेडी हो ले अपने काम कर लें उसके बाद वो करें दूसरी टिप दूध से मतलब ही है कि बाज़ लोगों को ये शिकायत होती है कि हम लोग दूध बॉइल करते हैं लेकिन उसकी जो बलाई है ना उसके ऊपर आती है कुछ लोग घी और मक्खन निकालते हैं तो कहते हैं कि भाई वो बलाई जो मिक्स हो जाती है इतनी ही उसकी तय नहीं जमती तो आप क्या करें? किया करें जब भी आपने दूध को गर्म कर लेना है बॉयल कर लेना है और आप हल्की आँच पर किया करें हमेशा उसके बाद आपने किसी भी चम्मच वगैरह के साथ उसको हलाना नहीं है आप इसी तरह से जब ठंडा हो जाए फ्रिज में रखें फ्रिज में घंटे के बाद आप देखेंगे बलाई की जो है ना ऊपर इतनी मोटी मोटी तहें आएंगी वो आप ईज़िली निकाल के अपने किसी बर्तन में जहाँ पर आप जमा कर रहे होते हैं बलाई इकट्ठी कर रहे होते हैं मक्खन वगैरह घी निकालने के लिए तो आप यकीन करें बहुत अच्छी बलाई आएगी बहुत से लोगों को ये जो है ना शिकायत हैं लेकिन यही छोटी सी जो है प्रॉब्लम हमारे साथ इस वजह से होती है आगे बढ़ने से मेरे रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करिए अच्छा अगर आपने पोछा लगाना है पोछा तो हर हाँ घर में लगता है दो दफ़ा भी लगता है तीन दफ़ा भी लगता है एक टाइम तो डेली ही लगता है अगर आपने पोछा लगाना आपने क्या करना है कि सर्फ में किसी टब वगैरह में पानी डाल लें और आजकल तो वैसे भी पानी ताज़ा ही होता है सर्दियों में नीम गर्म पानी डाल उससे फ्लोर बहुत अच्छा साफ़ होता है आप क्या करें ताज़ा पानी ले लें उसके अंदर थोड़ी सी आपने सर्फ करें उसके अंदर आपने वो जो जो फ़िनाइल होता है थोड़ा सा फ़नाइल का लिक्विड ऐड करें उसके अंदर आप एक लीमों और थोड़ा सा सोडा चुटकी सा बिल्कुल इनको मिक्स करें और आप यकीन करें पोचा लगाएंगे इस पानी में आप ना पोछा डबो कर लगाएंगे तो आपका जो है एक तो मक्खियाँ भी नहीं आएंगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी उसके अलावा यह कि आपका फ्लोर बहुत अच्छे से साफ होगा उसके अलावा यह जरूर ट्राई कीजिएगा मुझे बताइएगा उसके अलावा अगर होता है कि जल्दी से अगर भाई हमने भिंडी पकानी है टाइम नहीं था या कहीं जाना है तो अब सब्जी बनाकर मैं चाहती हूँ कि जाऊँगी तो आपने क्या करना है भिंडियों को अगर हम किसी टोकरी या इस तरह से रखते हैं ना उसको सुखाने के लिए तो ज़रा टाइम लगता है ठीक है नीचे से गिली रहती हूँ ऊपर से सूख जाती हैं आपने क्या करना इस तरह का कोई रुमाल लेना है पंखे के नीचे टेबल पर आपने इस तरह से भिंडियाँ आपने कर देंगे यकीन करें पंद्रह से बीस मिनट में आपने उतनी देर जितनी देर प्याज वगैरह कटिंग कर करना है ना और काम कर लिया आपकी भिंडियाँ बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी तो ये टिप भी बहुत आपको फायदा होने वाला है होपफुली आज की टिप्स जो है आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगी दौ में याद रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज बाय बाय